आईक्यू नियो 6। इस फोन का बैक साइड प्लास्टिक का है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी, साइड फ्रेम आल्सो प्लास्टिक एंड फ्रंट ग्लास पैनल। पोर्ट्स की बात की जाए तो यूएसबी 2.0 कनेक्टर दिया गया है, वॉल्यूम बटन, पावर बटन, माइक्रोफोन, डुअल स्पीकर। और हाँ, बॉक्स के अंदर ना एक टीपीयू केस मिल जाता है। क्वालिटी ठीक ठाक है, लुचुर पुचुर है, लेकिन चल जाएगा। अगर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास, ये ग्लास, वो ग्लास फॉर डिस्प्ले प्रोटेक्शन, तो इसमें कौन सा है ये एग्जैक्ट बता पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। इस फोन में पिक ब्राइटनेस 1300 निट्स है, बट कुछ सिनेरियो पे ही ये 1300 निट्स जो है ये ऑटो स्विच होता है, ऐसे ही इसका जो ब्राइटनेस है वो 800 निट्स पे काम करेगा। सच बताऊं तो आउटडोर में जो विजिबिलिटी है इस फोन में अच्छा मिल जाता है। अगर इसके डिजाइन और लुक की बात की जाए तो इसका डिजाइन मुझे काफी पसंद आया है। हमारे पास जो कलर है वो है मैवरिक येलो, और ये कलर मुझे काफी पसंद आया एंड देन हमने इसे ऑर्डर किया। और ये कलर जो है बाद में लॉन्च किया गया था, उससे पहले जो आपको ये कलर वेरिएंट में मिलता था वो था डार्क नोवा और साइबर रेंज। फोन जब आप हाथ में लोगे तो ये आपको ज्यादा बल्की नहीं लगेगा। 6.6 इंच एमुलेट डिस्प्ले, सॉरी E4 एमुलेट डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और हाँ, ये फोन HDR10 सपोर्ट करता है। वहीं अगर इस फोन के नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात की जाए, 5G बैंड मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि कम है अकॉर्डिंग टू प्राइस, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो और भी ब्रांड के फोन है उसमें आपको ज्यादा 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं सैमसंग की बात करूँ तो सैमसंग के फोन में जो है आपको 12-11 इस तरह से 5G बैंड देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये एक कमी मुझे लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस में बोला। और बाकी कॉलिंग वगैरह में ना हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, और नेटवर्क वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जियो का सिम हम यूज कर रहे थे क्योंकि जियो का जो नेटवर्क है हमारे साइड एकदम मस्त रहता भैया। और इसका जो प्राइस है 8GB 128GB वेरियंट का, वो है आपका 29,999, यानी 30,000 डिस्काउंट वगैरह लगा के जो है ये आपको 27-25, कभी कभी 25 पे भी, या फिर 27-28 इतना भी मिल जाता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया, अगर आपका मन हो रहा है लेने का तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाय, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, GPS, OTG, ये सब चीज जो है इसमें दिया गया है। क्या नहीं मिलेगा? NFC जो है वो इस फोन में नहीं मिलेगा, और 3.5mm जैक, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 3.5mm कनेक्टर मिल जाता है। ये सब छोटी छोटी चीज है लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे कि 3.5mm जैक नहीं दिया है तो कनेक्टर दे देते हैं, चलो भैया खुश हो जाओ। सच बताएं, ये जो 3.5mm जैक है ना, इसको जो निकालते जा रहा है तो निकालने से कोई फायदा नहीं, इसका फायदा उठाना चाहिए। अब जो ब्रांड निकाल रहा है, चलो भैया वो तो निकालिए रहा है, हम कुछ अलग करते हैं, हम निकालेंगे नहीं, हम इसमें डालेंगे। तो मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए। गेमिंग फोन में आप 3.5mm जैक जो है वो निकाल दे रहे हैं, आपको क्या लगता है वो वायरलेस वाले से अच्छा मतलब क्वालिटी हमको मिलता है? इतना लेटेंसी मारता है जब गेम खेलते हैं, क्या ही बताएं हम। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। इस फोन का बैटरी कैपेसिटी 4700 mAh है विद 80W फास्ट चार्जिंग एडाप्टर के साथ आता है। बॉक्स के अंदर ही आपको एडाप्टर मिल जाता है, ये बेजोड़ है भैया। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी फोन आ रहे हैं उनके डब्बे से चार्जर निकाल दिया जा रहा है, वो आपको अलग से खरीदना पड़ रहा है। बट यहाँ पे अगर ये फोन लेते हैं तो आपको चार्जर के लिए अलग से पे आउट नहीं करना पड़ेगा, डब्बे में ही 80W का, समझ रहे हैं ना, समझदार है आप लोग। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनी ये फोन 12 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है और 100% 32 मिनट में चार्ज हो जाता है। लेकिन भैया हम ऐसे कैसे मान लें? यहाँ पे हमने भी टेस्ट किया और जो हमारा टाइमिंग निकल के आया वो मतलब बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम हमको लगा इस फोन को चार्ज करने में वो है 40 मिनट, यानी 40 मिनट में ये फोन ना 100% पूरा चार्ज हो चुका था। वहीं 25 मिनट में ये फोन 70% चार्ज हो गया था। अब यहाँ पे ये जो चार्जिंग रेशियो है, हो सकता है जब आप चार्ज करें तो ये 40 मिनट ना लगे, ये 30 मिनट में हो जाए या फिर जाके 35 मिनट में हो जाए, क्योंकि ये जो चार्जिंग हम टेस्ट कर रहे थे ये एक बार हमने नहीं किया है, हमने कई बार इसे मतलब कई बार बोले तो 2-3 बार इस तरह से हमने टेस्ट किया है। और जब भी हमने इसको टेस्ट किया है चार्ज करके तो वहां पे हमें अलग अलग टाइमिंग देखने को मिला है। जो मैक्सिमम टाइमिंग था वो हम आपको बता रहे हैं 40 मिनट, और जो सबसे लो टाइम में ये चार्ज हो गया था वो है 33 मिनट 6 सेकंड, मतलब इतने मिनट में ये चार्ज हो गया था। तो आप ये मान सकते हैं कि इसका जो बैटरी है ये चार्ज जो है 40 मिनट के अंदर हो जाएगा। बाकी आपको इस फोन में ना सेंसर उन्सर पूरा एकदम दबा के दिया है।
अब चूंकि इस फोन में स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टाकोर 5G चिपसेट का यूज किया गया है बेस्ड ऑन 7 नैनोमीटर OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम फन टच 12 ग्लोबल वर्जन बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। अब ये जो 30,000 के सेगमेंट में ये फोन जो आपको मिल रहा है iQOO Neo 6 परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन कमाल का है। और जब आप 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सेट करके और फिर फोन को यूज करते हैं तो कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बस एक चीज हमको बिल्कुल सही नहीं लगा, जब हम इसे 120 हर्ट्ज पर डाल देते हैं तो कभी कभी फोन में हल्का सा जीटर जो है वो मुझे दिखा, थोड़ा सा लैग करता हुआ दिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये प्रॉब्लम मुझे लगभग 2 से 3 बार हुआ, इससे ज़्यादा मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिला। कभी कभी जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स मुझे इस फ़ोन में देखने को मिले। अब चूंकि यहाँ पे भैया जी फन टच OS है तो थोड़ा बहुत तो समझ रहे ना, मतलब होगा। अब देखिए गेमिंग टेस्ट करने के साथ साथ हम इसका हीटिंग टेस्ट भी करेंगे, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर, इसीलिए हम अपने रूम का पंखा उनका जो है ना सब बंद कर दिए। अब देखिए खेला खेलने से पहले ना हम इसके टेम्परेचर को मेजर कर लिया और जो बैक साइड में है वो 33 डिग्री सेल्सियस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये जो गेम है ना जिसको हम खेल रहे हैं वो है कॉल ऑफ ड्यूटी। बाकी जैसा कि हम आपको दिखाया है जो ग्राफिक था जो फ्रेम रेट था वो एकदम एक्सट्रीम पर हम सेट करके खेल रहे हैं। इस साला हमको बार बार मार दे रहा है, जब से खेल रहे हैं तब से साला मार ही रहा है हमको। लगता है दिन आज हमारा अच्छा नहीं है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं छोड़ेंगे, एक दो बार तो मारेंगे ना, सॉलिड मारेंगे। लगभग 19 मिनट खेल लिया और 19 मिनट खेलने के बाद बैक साइड में 39 डिग्री सेल्सियस जो है फोन हीट हुआ और फ्रंट में 41 डिग्री सेल्सियस जो है वो हीट हुआ, मतलब 39-40 डिग्री जो है वो फोन इतना हीट हुआ है। थोड़ा सा और हम खेलते हैं, मतलब आधा घंटा और खेल के देखते हैं कि फोन कितना हीट होता है। और अभी भी हमारा जो पंखा है वो ऑफ है भैया, बहुत गर्मी लग रहा है। तो इस बात पे ना वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हम 37 मिनट गेम खेले हैं और 37 मिनट में भी फोन इतना ही गर्म हुआ है जितना 19 मिनट में गर्म हुआ था, यानी 39 डिग्री सेल्सियस बैक में और फ्रंट में 41 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा मैंने इसमें गेम खेला और जो हीटिंग है वो भी कोई खास मुझे देखने को नहीं मिला, जितना मतलब इतना जो फोन हीट हो रहा था वो भी नॉर्मल, जिसमें मैंने फैन वगैरह जो है वो ऑफ किया हुआ था तो हीटिंग वैसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन एक प्रॉब्लम हम फेस किए जब हम गेम खेल रहे थे और वो ये कि जब हम गेम प्ले किए, प्ले करने के बाद जब हम खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक से जो वॉल्यूम है वो गायब हो गया, मतलब वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं और वो बढ़ नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, फंक्शन ही काम नहीं कर रहा था वॉल्यूम वाला। अभी जब मैं गेम खेल रहा था तो अचानक से इसका जो वॉइस है जो गेम में आना चाहिए, मतलब जो साउंड आना चाहिए, वो अचानक से चला गया। तो ये चीज़ मुझे रिकॉर्ड करना था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आए हैं। और मैं अभी रूम में बैठ के जो है गेम खेल रहा था एंड देन अचानक से ये प्रॉब्लम हुआ। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम जो है ये मैंने पूरा डाल रखा है बट साउंड जो है वो नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। हेलो हेलो, मेरा साउंड आ रहा होगा बट यहाँ पे गेम का जो साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता ये मतलब अचानक से मतलब ये हुआ, तकरीबन 1 घंटा से मैं ये गेम खेल रहा हूँ और अचानक से ये इसका जो साउंड है, गेम का जो साउंड होता है वो चला गया। तो मैं इस मैच को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इसे फिर से जो है स्टार्ट करके देखता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं ये ठीक होता है या फिर नहीं होता है। तो इसे पूरी तरह से जो है बंद कर देते हैं, iQOO फोन है और अभी तो वैसा कुछ हिट मुझे नहीं लग रहा है बट अब हम इस गेम को फिर से चालू करते हैं। अच्छा एक मिनट, ये अच्छा एक मिनट, ये गेम को चालू करने से पहले ये देखो साउंड आ गया।
ओके, तो अब जो है यहाँ पे तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे साथ हुआ, और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये अचानक से आते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि जब प्रॉब्लम्स आ रहा होता है तो उस वक्त हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ऊपर नीचे कितना भी हम कर लिए, कितना भी बढ़ा लिए कम के लिए, लेकिन वो गया तो चला ही गया, फिर मुझे फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम मुझे एक बार नहीं दो बार हुआ था। फर्स्ट बार जब हुआ तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, सेकंड बार जैसे हुआ हम दौड़े एकदम और लगाए कैमरा और उसके बाद फट से रिकॉर्ड किए ताकि हम दिखा पाए आपको प्रूफ कि देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसका एकदम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ हम देखे, इसमें फील किए और वो हम आपको बता दिए। इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, रेयर कैमरा 64 मेगापिक्सल OIS के साथ आता है। यहाँ पे अपर्चर साइज जो है 1.8 है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, और इसका जो अपर्चर साइज है वो 2.2 है, और उसके बाद आता है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो जिसका अपर्चर साइज 2.4 है। इसके कैमरा से मैक्सिमम 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 1080p और 720p में भी आप 60fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें आपको नॉर्मल, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा स्टडी मोड मिल जाता है जो कि मैं अभी आपको सैंपल दिखाऊंगा। यहाँ पे हम कुछ फोटो क्लिक किए हैं, वो आप देखिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इसका कैमरा कैसा लगा, और हमने हर सिनारियो में फोटो कैप्चर किया है ताकि आप इसके कैमरा को अच्छे से जज कर पाए बढ़िया है कि नहीं है। बाकी इसके कैमरा के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो आपके सामने ला के रखेंगे। और हाँ, जब हम रात में फ़ोटो ले रहे थे और इसका नाइट मोड ऑन किया ना, तो हमको इतना मज़ा आ रहा था फ़ोटो लेने में, हम बस फ़ोटो लिए जा रहे थे भिन्न भिन्न प्रकार का। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो इसके प्राइमरी कैमरा से हो रहा है। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें आपको तीन मोड मिलता है, एक है नॉर्मल, एक है स्टैंडर्ड और एक है अल्ट्रा। अभी जो आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है वो है नॉर्मल। अब मैं इसे स्टैंडर्ड में सेट करता हूं और फिर देखते हैं उसमें कैसा स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलता है। तो अभी जो है मैं स्टैंडर्ड में सेट किया हुआ हूं, और यहां पे जो स्टेबिलिटी है वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं मूव करता हूं। ओके, तो स्टैंडर्ड में इस तरह का स्टेबिलिटी हमें मिल जाता है। अल्ट्रा में देखते हैं कैसा हमें देखने को मिलेगा। अल्ट्रा में आप देख सकते हैं कि वीडियो आपका कितना स्टेबल रहने वाला है, और यहाँ पे जब मैं मूव करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं। इस फोन का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 360 हर्ट्ज है, लेकिन जब आप गेमिंग करते हैं BGMI वो तो बैन हो चुका है, कॉल ऑफ ड्यूटी हम उस पर टेस्ट किए थे और वहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट 1200 हर्ट्ज पर पहुँच जाता था। मतलब ये कमाल का चीज है, और ऊपर से इसमें वेपर कूलिंग सिस्टम दिया गया है तो फोन इसी कारण से ज्यादा हीट नहीं होता है। तो ओवरऑल इस फोन के बारे में हम आपको सारा चीज बता दिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन बन रहा है कि नहीं भैया फोन तो बेजोड़ लग रहा है, ले लेते हैं। अगर आप फोन एक बार लेना पसंद करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 30,000-35,000 का फोन अगर कोई खरीद रहा है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि भैया फोन लिए हैं तो कम से कम 1-1.5 साल चलना चाहिए, मतलब जो जल्दी जल्दी फोन नहीं बदलता है। और मैक्सिमम लोग जो है ना वो जल्दी जल्दी फोन नहीं बदलते, हाँ कुछ लोग जो है वो 6 महीना या फिर 1 साल पर फोन बदल देते हैं। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फोन नहीं बदलना है, परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाए, फोन का कैमरा जो है वो हमको ठीक ठाक मिल जाए और फोन एकदम चले, तो ये फोन आप ले सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे हम लिंक दे दिए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके फोन परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा आपको एकदम मस्त वाला। बाकी इस फोन से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि भैया हम इस फोन को इतना लगड़े हैं ना कि क्या ही बताएं। मतलब आपका कोई भी सवाल हो हम एकदम फट से जवाब देंगे इस फोन के बारे में, इतना हम घस चुके हैं इस फोन को। और जो जो समस्या मुझे इस फोन में हुआ है वो अगले वीडियो में आपको पूरा पता चल जाने वाला है इस फोन के बारे में, जो कि हमने एक्सपीरियंस किया है। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, फिलहाल इस वीडियो, वाह देखे लाइट भी चला गया, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।